तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गठबंधन पर बोले हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है, यानी कि किसी गठबंधन की जरूरत जो है कांग्रेस को हरियाणा में नहीं है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी पर बढ़ से हुड्डा, बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है और कहा है कि जनता हित में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। ये तमाम बातें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है, हमें किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाकर फैसला किया जाएगा। बीजेपी पर भी निशाना साधा है और साथ ही कांग्रेस ने जो हाल ही में मैनिफेस्टो जारी किया है उस मैनिफेस्टो को भी जनता के हित में बताया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये तमाम बातें कही गई है और गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस खुद सक्षम है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। पढ़ रहा हूँ आम आदमी पार्टी का, हमारे सिद्धदेव के बाद जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है, किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा गठबंधन होता है तो असर स्टेट पर भी पड़ता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो है, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी, इन्होंने कांग्रेस का बनना है, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाकर फैसला करेंगे और स्पीकर साहब को पत्र लिखेंगे, पार्टी इसको भी इलेक्ट करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष होगा। बीजेपी ने तो किसान को मारने का काम किया है, गरीब आदमी को मारने का काम किया है। हमारे जो मैनिफेस्टो आया है ये ऐतिहासिक कदम है और देश को गरीबी से बाहर कैसे लाना, जो गरीब आदमी 20% लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को, जो 25 करोड़ जनसंख्या बनती है 20% कुल जनसंख्या की, उनको 72,000 हर साल और 360,000 पाँच साल में जो जाएगा पैसा, उससे ये लोग गरीबी से बाहर आएंगे और इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ये खरीदने के होंगे, उसमें व्यापार को भी फायदा होगा, दुकानदार को भी होगा। और दूसरा, किसान को टारगेट रखा है हमने, किसान जो आज बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है, कर्जे में डूब गया है, उसको कर्ज मुक्त से लेकर और आगे कभी कर्ज लेना ही ना पड़े उसको, ऐसा हम लेके जाएंगे। तीसरा, बेरोजगारी दूर करने का है, तीन मुख्य मुद्दे हैं।